आज जो मैं मटन बनाने जा रही हूँ ये मेरी माँ की रेसिपी है और इसमें तेल और मसाले तो बहुत ही कम पड़ते हैं, बट इसका टेस्ट तो पूछिए मत, इतना लाजवाब होता है कि शायद ही आपने कभी खाया होगा। वैसे तो ये रेसिपी बनाने के लिए लकड़ी का चूल्हा या मिट्टी का चूल्हा बेस्ट है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसको गैस पे बनाएंगे और कुकर में बनाएंगे। उसके लिए हमने कुकर को गर्म करके उसमें ऑयल डाला है, ऑयल के साथ जीरा और तेज़पत्ता, लाल मिर्च, साथ में लौंग और अनियन डाला है। अब अनियन को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अभी हम कम ही अनियन डालेंगे, बस एक या दो, बाकी अनियंस काट कर अलग रख लिया है। अभी जब तक अनियन फ्राई हो रहा है मसाले निकाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर बस, और थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, जो कि मैंने नहीं कूटा है, मैंने ओली डाल दिया है। आप कूट कर डालिएगा जैसा अच्छा लगे। और इन सबको हम मटन में मिक्स करेंगे, नमक भी डालेंगे और साथ में और भी बचा हुआ जितना अनियन होगा वो सब डाल देंगे। इस रेसिपी में अनियन थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, अगर आपके पास 1 kg मटन है तो ऑलमोस्ट 1 kg अनियन डालेंगे। जितना मटन का वेट होता है ऑलमोस्ट उतना ही अनियन डालते हैं, क्योंकि मटन को अनियन में ही पकना है। नमक मसाले और जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन सबको मटन में अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। जब अनियन एकदम से गोल्डन हो जाए तब ये प्याज मसाले और मटन का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो डालेंगे। और वैसे तो इसको धीमी आंच पर कढ़ाई में पकने के लिए छोड़ देते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ऐसा ही करें। ऑलमोस्ट 1 घंटे में धीरे धीरे पक कर ये मटन तैयार होता है, लेकिन अगर टाइम नहीं हो तो मेरी तरह आप कुकर में सीटी भी लगा सकते हैं, कुकर बंद करके और 2-3 सीटी आने तक इसको पका लें, फिर ये जल्दी पक जाता है। अब 3 व्हिसल आने के बाद कुकर प्रेशर ठंडा करें और इसका ढक्कन खोलकर हम फिर से इसको गैस पर पानी सूखने तक पकाएंगे। एक तरह से ये मटन को हम फ्राई कर रहे हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम करके इसको बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पानी सूखने तक फ्राई करेंगे। अब धीरे धीरे मटन को फ्राई कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उसका लिड भी ऊपर से ढक दें, इसको फिर प्रेशर नहीं लगाना है। अब ऑलमोस्ट हमारे मटन का पानी सूख गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से फ्राई हो चुका है इसका। अब इसमें घी और गरम मसाला डालकर फिर से अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लिया है। अब फ्राइड मटन तो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर कड़ी चाहिए तो थोड़ा सा गरम पानी करके इसमें मिला लेंगे। अब गरम पानी डालने के बाद हम उसको थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हमारा मटन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। अब हमारा मटन बिल्कुल रेडी है, इसको रोटी, पराठा, नान जैसे भी चाहें सर्व करें और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।